हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। आज मैं रटालू का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। मैं इसको दो तरीक़े से बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैंने दोनों तरीक़े शेयर कर रही हूँ। यहाँ एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, जहाँ रटालू जिनके एरिया में मिलता नहीं है, तो वो एक नॉर्मल जो अरबी मिलती है या टारो रूट मिलता है, उन्हीं से भी ये सेम चीज़ सेम प्रोसीड्योर में बना सकते हैं। रटालू को बंगाली में मानकोचू भी बोला जाता है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट देखते हैं, फिर प्रोसीड्योर शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए चाहिए रटालू या मानकोचू, या आप कोई भी अरबी ले सकते हैं। नेक्स्ट चाहिए नारियल। नारियल कच्चा चाहिए, जो सूखा वाला नारियल उससे ये नहीं होगा, कच्चा नारियल चाहिए। और चाहिए हरी मिर्च। तो पहले मैंने रटालू का सामने वाला पोर्शन काट के इसके अच्छी तरह से छील लूंगी। अब इसे एक बार अच्छी तरह से धो लेने के बाद ही मैं ग्रेट करूंगी। रटालू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया, ग्रेटर का फाइन वाला पोर्शन से मैंने इसको ग्रेट कर लूंगी। रटालू मैंने ग्रेट कर लिया। अब सेम साइड से मैं कोकोनट को भी ग्रेट कर लूँगी। रटालू जितना लेना है उसका हाफ पोर्शन कोकोनट लेने से ही आपका ये डिश बन जाएगा। तो कोकोनट को ग्रेट कर लेते हैं। रटालू और कोकोनट मेरा ग्रेट हो चुका है। अब एक मिक्सर जार में कोकोनट को डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे और ग्रेट किया हुआ रटालू भी डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को एक ऑलमोस्ट फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया। अब इसी पेस्ट से थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ ट्रे में। अब इसमें मैं डालूंगी अपने टेस्ट के अनुसार नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस। नमक डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मस्टर्ड सॉस में भी नमक होती है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें गैस की कोई यूज़ नहीं हुआ इस वाली प्रोसीड्योर में। इसे कच्चे खाया जाता है, गरम चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। इसे एक छोटे सी बोल में निकाल लेते हैं। तो मेरा एक टाइप का तो बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टाइप में। अब सेकेंड प्रोसीड्योर के लिए मुझे गैस की ज़रूरत है। पैन मेरा यहाँ गर्म हो गया है। अब पैन में मैं 2 चम्मच घी डालूंगी, 1/2 चम्मच कालूंजी डालूंगी। कालूंजी को फ्राई कर लेती हूँ पहले। अब इसमें डाल दूंगी जो नारियल और रटालू का पेस्ट है, उसको डाल देती हूँ। जार में थोड़ा सा पानी डाल के जार धो के भी इसको डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी जार के अंदर लगा हुआ है। टेस्ट के अनुसार नमक डालूंगी और डालूंगी मस्टर्ड सॉस। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, लगातार चलाते हुए इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। 3-4 मिनट हो गया, काफ़ी देर से मैं इसे लगातार चला रही हूँ। चेक करने के लिए स्पैचुला को ऊपर थोड़ा सा रख के, वो अगर नीचे नहीं गिरेगा दैट मीन्स ये परफेक्टली बन चुका है। तो मेरा ये ऑलरेडी हो चुका है। गैस बंद कर देती हूँ और इसे सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। मेरा 2 तरह का रटालू का पेस्ट बन के तैयार है, कच्चा वाला भी एंड घी से बनाया हुआ भी। अब इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं कोकोनट और चिली देके। मेरा 2 तरह का रटालू का पेस्ट बनके तैयार है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसे, गरम चावल के साथ दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर मास्टर सॉस कोई यूज़ नहीं करना चाहते हैं या किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो सिंपली जो ब्लैक या येल्लो सरसों होता है उसको पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं।
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।